कोटा जनपद पंचायत कोटा के सचिवों के द्वारा निश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। सचिवों की मांग है कि 2 वर्ष बाद शासकीय कर्मचारी घोषित करने की। लंबित मांग पर काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के प्रदेश संगठन की आवाहन पर जनपद पंचायत कोटा के 105 ग्राम पंचायतों के सचिव अपनी लंबित मांग पर परीक्षा अवधि पश्चात 2 वर्ष बाद शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर जनपद पंचायत मुख्यालय में सचिव संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में काम बंद कलम बंद का ऐलान करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही हैं। सचिवों ने सर्वव्यापी चर्चा के दौरान भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा कर्मी का वेतन विधायक का भत्ता बढ़ाने सरकार के पास पैसा है। सचिवों की बात आने पर वित्तीय संकट का बहाना बना दिया जाता है। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव जो कि 29 विभाग के अनेक प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर तक ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए राज्य शासन एवं केंद्र सरकार के उन सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पंचायत सचिवों के साथ नीति सभी कर्मचारी जैसे शिक्षा कर्मी को शासन द्वारा शासकीयकरण कर दिया गया, लेकिन पंचायत सचिवों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर वादा खिलाफी कर रही है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। सचिव ने कहा कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम करो या मरो की स्थिति में भी जा सकते हैं। सचिव संघ पूरे छत्तीसगढ़ में अपने एक सूत्री मांग 2 वर्ष परीक्षा अवधि समाप्ति के पश्चात नियमितीकरण को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में काम बंद कलम बंद हड़ताल में बैठे हैं। हम विगत 25 वर्षों से ग्राम पंचायत में अपना सेवाएं देते आ रहे हैं और शासन की विभिन्न योजनाएं जो कि ग्राम पंचायत में हमारे द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और हम अपना काम सही ढंग से ग्राम पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक शासन के कार्य योजना को सुचारू रूप से संचालित करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन हमारी मांगों को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहा है। इसलिए हम लोग 26/12/2020 से अपने काम बंद कलम बंद हड़ताल में बैठे हैं और आगामी दिनों से हमारा आंदोलन जो है उग्र रूप लेने वाला है, जिसमें हम भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल, आमरण अनशन और विभिन्न प्रकार की जो शासन के समक्ष रखी जाने वाली मांगे हैं उसको लेकर के धरना में बैठे रहेंगे। करो या मरो की नारकपोरी लेकर के इस बार अपने हड़ताल में बैठे हैं। आर या पार, करो या मरो, जो भी होगा देखा जाएगा और हम अपना मांग पूरा करा कर रहेंगे। सरकार को हमारे मांग को मानना पड़ेगा। बोला दास मानिकपुरी, सचिव जनपद पंचायत कोटा। मतलब यही देखने को मिलता है कि सरकार ने चुनाव से पहले तो बहुत सारी अपना ये समर्थन पत्र दिए था, ये शपथ पत्र दिलवाया था कि हम पहले ये गठन वाला जो गोधन वाला है उसको पूरा करने के साथ ही साथ कर्मचारी लोगों के सभी जितने मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। और सबसे पहले तो शासकीकरण के संबंध में मतलब वादा किया गया था कि इनका शासकीकरण नियमित जरूरी मतलब अनिवार्य रूप से किया जाएगा, लेकिन अभी देखने को मिला है कि 2 साल कम पूरे हो गए हैं, लेकिन ये देखने को मिला है कि वो इग्नोर कर रही है। फिर अनसुना, मतलब हम लोग की जो समस्या है वो समस्या को उन तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो ये अभी लंबा चलेगा हड़ताल? जी अभी तो उम्मीद है आपको? जी जी अभी हम लोग कोई अधिकारी मिलने आए हैं आप लोगों से? अधिकारी तो अभी नहीं आए हैं उसी जानकारी में। जी और बाहर जनप्रतिनिधियों को समर्थन मिल रहा है? जनप्रतिनिधियों को पूरा समर्थन है हम लोग। अपना परिचय बताइए। राजकुमारी भानु, जनपद पंचायत कोटा। कोटा से रवि राज रजक की रिपोर्ट।